हेलो एवरीवन, इस लेक्चर से अपन बेसिकली लिमिटिंग रीजन दे फाइंड करन दी ट्रिक एज वेल एज ओदिया कंपटीशन लेवल दी प्रॉब्लम देखेंगे। इवन मेंस से भी क्वेश्चन करेंगे अपन, जेई मेंस से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एंड मोलैरिटी एक और टॉपिक अपन इस लेक्चर से कवर करेंगे। देखो बेसिकली अपन सीरीज चला के रहे हैं, एक तो लेक्चर बेसिकली अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं। सेकंडली मैं की कर रहे हैं कुछ को टॉपिक चूज करके, कैमिस्ट्री जो भी होंगे, फिजिक्स जो भी होंगे, ठीक है जी, प्लस वन प्लस टू दोनों क्लासों के बच्चों जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, प्लस जिन्हों पेपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, हर एक तरह के कॉम्पिटिशन ओलंपियड आ, तो मैं वो पूरी डिटेल के डीप के कवर आउट करूँगा। ठीक है, दो तीन महीने रहेंगे जेने या नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपेयर करने उन्होंने लिए भी है। तो अपना टॉपिक है जी लिमिटिंग रीजन, बहुत कॉमन टॉपिक आ, बच्चे बहुत निगलैक्ट करते हैं कि तो कुछ भी नहीं है कि जो घट मात्रा से फायदा मिलता लिमिटिंग रीजन होंगे, बट इदा रियलिटी नहीं हैगी। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। सर ने पहले समझो कि लिमिटिंग रीजन होंगे कि फटाफट दो मिनट समझा देना। देखो अगर ये डेफिनेशन नोट करा कि इट इज़ द रीजन विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो रीजन कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रीजन। बहुत औखी डेफिनेशन आ, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के, ठीक है जी, एक्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे है, पूरा पूरा प्रेजेंट होंगे। एंड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रीजन ही कंट्रोल करता है किन्ने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, किन्ने मोल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है जी। इस एक लाइन तो ही आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, रिएक्टेंट दे देता है इन्ने मोल, इन्ने मोल तो प्रोडक्ट किन्ने बढ़ गए, ठीक है जी। कई बार रिएक्टेंट माप दे देता है कि इन्ने ग्राम रिएक्टेंट गिवन आ जाओ, वॉल्यूम दे देता है। तो हम देखना पर सारे तरह की प्रॉब्लम देखना, अगर किसी को नहीं पता लगे इस चीज़ का कि लिमिट रीजन होंगे, कि एक एग्जाम्पल समझ सकते आप। सपोज कोई एक फैक्ट्री है, फटाफट समझा देना, फैक्ट्री के बीच की आ, लेट इट बी 2000 स्टेयरिंग पे ने, कार फैक्ट्री है, ठीक है, सपोज 2000 ब्रेक्स पे ने, क्लीयर, एंड सपोज 2000 ही क्या ने उत्थे कार दी बॉडीज पे ने, मान लो 4000 क्या ने सीट्स पे ने, ठीक है, बट 500 इंजन ने, 500 क्या ने इंजन। आप तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन्ने समान नाल किन्निया कार मैनुफैक्चर हो सकदियां ने, किन्निया कार टोटल बन के तैयार हो जाएगियां इन एक समान दे नाल, मतलब कार क्या होएगी प्रोडक्ट। आपको तो पूछा जा रहा है कि भाई प्रोडक्ट किन्ने फॉर्म होंगे, कार की आ प्रोडक्ट है, ये सारे क्या ने रिएक्टेंट्स। तो आंसर दे सकते हो इस डाटा में देख के कि किन्ने रिएक्टेंट, किन्ने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, किन्निया कार कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगियां। तो कई बच्चे कहेंगे 2000 स्टेयरिंग, तो एक कार एक स्टेयरिंग लगता तो 2000 बन सकते हैं, ब्रेक्स एक कार जो दो लगते हैं ना, नहीं फिर तो 1000। बट जो मेन चीज़ है डैट इज इंजन, हर एक कार एक इंजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। थोड़े को इंजन 500 ने, स्टेयरिंग 2000 ने, कल स्टेयरिंग का क्या करोगे तुम, ठीक है जी, कार फॉर्म नहीं होनी। मतलब टोटल थोड़े को आने सिर्फ 500 कार बन सकते हैं टोटल, बदोबद मतलब 500 इंजन ने प्रोडक्ट को कंट्रोल किया, दैन इट इज़ अ लिमिटिंग रीजेंट। तो इस क्वेश्चन के 500 इंजन आए हैं डैट आर लिमिटिंग रीजेंट्स। अच्छी एग्जाम्पल समझने ली, बाकी जो नहीं हजमे समझ लग जाएगा फिर वो भी तो रब का ना है, बट बहुत ही टॉपिक है, ठीक है जी। तुम नोट करना, नोट कर सकते हो, मैं नैक्सट पार्ट से चलना। देखो डेफिनेशन बनाने का बहुत सौखा है, नैक्सट चीज़ है कि लभना किमें आ, लभण की ट्रिक क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन के कौन लिमिटिंग रीजेंट हैगा या कौन नहीं हैगा। तो ट्रिक अपन नोट करते हैं, बड़ी ईजी ट्रिक है, तो अच्छी लगेगी। सपोज को अपने कोई रिएक्शन हो रही है, मैं लिख रहा बोर्ड के उपर, अच्छा लिमिटिंग के नाल एक होर रीजेंट होंगे डैट इज एक्सैसिव रीजेंट। एक्सैसिव मतलब जो कि ज़्यादा मात्रा का कारण होंगे, जिमें सपोज करो मैं तो रेज कर दूँ, मैं रेज कर रहा, सपोज कि ए प्लस बी
मिलके सी बना रहे हैं, ध्यान ना समझो। बैलेंस इक्वेशन क्या दस, क्वेश्चन मान लो कंप्लीटली बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन क्या दस रही है कि जो एक मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है एक मोल ऑफ बी नॉट, तो एक मोल क्या बनता है सी, ठीक है जी, वन मोल वन मोल वन मोल। सपोज अपने को पांच मोल पैदा ने, अपने को दो मोल पैदा ने, आपको तो पूछा यार हाउ मैनी मोल्स ऑफ सी कैन बी फॉर्म्ड, सी दे कितने फॉर्म मोल फॉर्म होंगे एंड व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बहुत इतना लगना बहुत सौखा है, कोई बच्चा कह सकता कि भाई बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, घट मात्रा पैदा है, बहुत सौखी प्रॉब्लम लगी है मैं पहली। एंड अगर दो मोल बी दे प्रेजेंट ने तो फिर सी दे भी कितने बनेंगे, दो मोल बनेंगे, डेट्स इट, क्वेश्चन खत्म, बहुत सौखा क्वेश्चन से। बट ये ट्रिक नोट करो हूँ कि ट्रिक किस तरीके नंबर की है फाइंड करना है। ट्रिक च की है दो तीन स्टैप करने पैदा है अपन, बहुत सौखे सौखे। तो स्टैप नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जी, देखो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे ने क्वेश्चन के, कई बार की अपन वॉल्यूम गिवन होंगी है, आप उतो मोल्स कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल दी कुछ गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अपन फॉर्मूला पता है। कई बार पर मास गिवन होंगे तो फिर आप नंबर ऑफ मोल दी कुछ गिवन मास अपन मोलर मास लगा के कट सकते हैं। सारे ना पहला स्टेप की है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स कर लो। सैकेंड स्टेप की है बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन एंड नोट डाउन द, नोट डाउन द स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन से होते हैं जो कि बैलेंस इक्वेशन से आगे लगे होते हैं। ये मैं सपोज करो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, N2 plus 3H2 forms 2NH3. Then a 1, 3, 2. These are called as a stoichiometric coefficient. You know, नहीं पता सेगा. 1, 3 and 2 are called as a stoichiometric coefficient. Third step क्या होएगा? Divide first by second. Divide first by second. मतलब number of moles एक ratio लो, वो number of moles divided by stoichiometric coefficient दी. समझ लगी गल? Third step clear हो गया. जिस रीजेंट की जिस रिएक्टेंट की रेशो है लो आ गई, जिस रीजेंट की रेशो है लो आ गई, डैट इज द लिमिटिंग रीजेंट, डैट इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट केड़ा होगा जिस रेशो क्या होगी लो आऊगी। क्लियर? आ क्वेश्चन करके देखिए फिर इसे ही हिसाब न, चलो उस हिसाब न। स्टेप नंबर फर्स्ट की है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ऑलरेडी गिवन ने ए कितने ने 5 मोल्स, तो 5 लिखिया, ये कितने ने 2 मोल 2 लिखिया। दैन सैकेंड स्टेप बैलेंस द क्वेश्चन, अपन ऑलरेडी गिवन है कि बैलेंस एंड नोट डाउन द स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, तो 5/1 2/1 लो कि आ रही है, यदि आ रही है, वो कहता आंसर कितना होगा 2 आऊगा, आंसर कितना होगा 5 आऊगा। तो दैट इज द लिमिटिंग रीजेंट। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, ये आप फाइंड कर ले तो प्लीज़ वो प्रोसीजर नोट करो, बहुत हाई लेवल के प्रॉब्लम के भी कम आऊगा। मैं एक दो प्रॉब्लम ले रहे हैं जब तुम नोट करो इस चीज़ में। चलो एक प्रॉब्लम लेने मैं रब कर दें साइड से, प्रोसीजर लिखा हुआ प्रॉब्लम की कह रहे हैं अपने 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी। ये कह रहे हैं 5 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड। रिएक्शन गिवन है ए प्लस 2b फॉर्म्स, ए प्लस 2b फॉर्म्स सी, दैट इज द क्वेश्चन। हम आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि दसो भाई सी कितना फॉर्म होगा, ये कितने गिवन ने 5 मोल्स, ये कितने गिवन ने जी 20 मोल्स, ये आप पता करने लेट इट बी एक्स। तो शॉर्टकट सारे ना पहला फर्स्टली कैलकुलेट द लिमिटिंग रीजेंट, करिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कितने 5, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना ए दा 1, तो 5/1 नंबर ऑफ मोल्स बी दे 20/2 नंबर ऑफ मोल्स पता करने एक्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। एक गल याद रखियो इन्हों तिना क्वेश्चन से इक्वैलिटी होल्ड कर दी होंगी, ये भी एक बहुत बूस्ट पॉइंट है या बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी बड़ी तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये इक्वैलिटी होल्ड कर दी।
आ वाली क्वालिटी याद रखें हमेशा, होल्ड कर दी, मोलर मोलर क्वालिटी बोलते हैं। देखो यह आंसर आ गया 5, यह आंसर आ गया 10, तो मैंने क्लीयरली पता लग रहा है कि रेशियो की लो आ, यदि लो आ, मतलब लिमिटिंग रीजेंट आ वाला है, तो यह डिसाइड करूगा भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अगर प्रोडक्ट पता करने इन दोनों क्वेश्चन की कर दो अक्वेट कर दो, मतलब एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, तो एक्स कितना आ गया 5, तो एक्स के किन्ने मोल्स बन जाने, 5 मोल्स की ने 4 बन, दैट्स इट, अपनी प्रॉब्लम खत्म। क्लियर होया जी कंसेप्ट थोड़ा जहा लिमिटिंग रीजेंट का, अजय मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम ले रहा। चलो एक प्रॉब्लम होर लेने, बहुत अच्छी जी रफ कर रहे हैं। तो लग रहा हो तो कोई मैथड नहीं है, तो कुछ नहीं है, सौखा जहा है, बट बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम टैकल करना था मैथड। जिवें सपोज को आपको क्वेश्चन गिवन है, ए प्लस बी फॉर्म्स ए टू बी थ्री, कहिंदा इनिशियली 6 मोल्स ऑफ ए एंड 20 मोल्स ऑफ बी आर टेकन। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन बोला जा रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग रीजेंट। कैलकुलेट लिमिटिंग रीजेंट कह रहा है, दसो इन्होंने चो। सैकेंड पूछा जा रहा आलसो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू बी थ्री फॉर्म, किन्ने मोल्स ए टू बी थ्री दे फॉर्म हो जाएंगे। अगेन बहुत सौखा क्वेश्चन है सारे ना। पहली गल, कई बच्चे इदा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं इन्हें पहले बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है क्वेश्चन, इतने आएगा 2 इतने आएगा 3, हूँ बैलेंस का कंप्लीट, देखो ध्यान रखो। क्लीयर, हूँ की आ अपन शॉर्टकट लगाने, ये किन्ने मोल्स ने, देखो 6 मोल्स, ये किन्ने ने 20 मोल्स, ये पता करने हैं। सपोज एक्स ने तो लिमिटिंग रीजन पहले फाइंड करना, तो रेशो लवो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन साइकोमेट्रिक ऑप्शन, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1। तो देखो ध्यान ना, 6 अपॉन 2 करके कितना होगा 3, 20 अपॉन 3 करके कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग आ जाऊगा। तो क्लियरली लिमिटिंग रीजेंट कौन है जी, ए, तो ए कंट्रोल करोगे कि कितना आ बनूगा। बस दैट्स इट, दोनों क्वेश्चन आपस इक्वेट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मोल की बन जाने अपने को, ए टू बी थ्री के 3 मोल फॉर्म हो जाने। क्लीयर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। एंड आ वाला क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है 2004 ए आई पी एम के, मतलब उस समय नीट ने सगा 2004 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा समय सॉल्व किया मैं, सौखा सी क्योंकि वही गलती सी ये, हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि लिमिटिंग रीजन कि फाइंड करना है। ठीक है जी, होर आप क्वेश्चन करा, यह हर एक क्वेश्चन लगना लगना तुम्हें, इवन मलैटी का क्वेश्चन भी, और भी लिमिटिंग रीजन फाइंड करना ही पैना है। चलो नैक्सट चलते हैं, नैक्सट देखो मलैरिटी बारे, थोड़ा जहाँ मलैरिटी बारे दसना चाहना तुम्हें, फिर आप क्वेश्चन करा 15-20 क्वेश्चन करने की कोशिश करा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। मलैरिटी मैं ज़्यादा बेसिक ज़्यादा मैं डीप चल जाऊँगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला दस देना। मलैरिटी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक मिली लीटर के होगी तो मोल्स की होंगे ने, मिली मोल्स। ठीक है, अगर लीटर च होगी तो सिंपल मोल क्या होंगे ने, मोल्स, मतलब एन इज इक्वल्स टू एम बी आऊगा इधर मल्टीप्लाई करके। अगर बी मिली लीटर च होगी तो जो अपना आंसर बनेगा वो कहे होने अपने मिली मोल्स होने, कई बार बच्चे इतने भी गलत कर देंगे। ठीक है, अगर थोड़ी बी लीटर च होगी तो लीटर च कन्वर्ट कर लिया इदा एन इज इक्वल्स टू एम बी इन लीटर्स, दैन आप आंसर की चाहूगा मोल्स चाहूगा। ठीक है जी, पहली गल नोट करो, इस भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, कई बार पेपर चुनाव मिली मोल्स कैलकुलेट करने लिए बोलता है, आप करते हैं लीटर च कन्वर्ट कर देने, अपना रट्टा लगे होंगे कि लीटर च ही सॉल्व करना है, तो उत्तर ऑप्शन की मैच नहीं करता है, तो चार ऑप्शन गेवर होंगे, तो ध्यान रखियो कि अगर मिली मोल्स बोलिया हो तो मिली लीटर च ही रखियो। ठीक है जी, तो इतने एक होर फॉर्मूला बन सकता, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे ने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तब भी फॉर्मूला होंगे मलैरिटी का, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स और मिली लीटर, मोल्स इतने लीटर च रखते हैं, अपना फॉर्मूला बन जाता है वाला। क्लीयर, मलैरिटी बारे इन्ना ही बहुत है मेरे ख्याल से, तुम पढ़िया हो खुद,
मैं डीप थ्योरी नहीं करवाया था, आप कॉम्पिटिशन लैवल का करना है। देखो मलैटी के क्वेश्चन आपको चार या पांच तरीके से पूछे जा सकते हैं, बेसिकली पांच तरीके के क्वेश्चन ने मलैटी के, उदू बाद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। मैं पांचों तरीके थोड़ा करवा लगे हाँ उन्होंने पांच के बेनिफिट जरूर आ सकते, बट पांच बेसिक चीज़ा ने। तो पांच केड़े ने सर उन्होंने मैं टेबल बना देना तुम्हें। तो पहले तरह का क्वेश्चन है जी सल्यूट डल्यूट विद वाटर, सल्यूट डल्यूट विद वाटर। यदा मतलब की है, एक एग्जाम्पल लें, सपोज करो मेरे को 200 ml पानी सी, मैं ये 10 g शुगर पाई हुई सी, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली गल है कि शुगर ही तो सल्यूट, शुगर की है सल्यूट, एंड याद रखियो आ की है सॉल्वेंट। मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी सारा कुछ सिर्फ सल्यूट ले ही डिफाइन होंगे, जो सॉलिड होंगे इवन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्वेबिलिटी कभी नहीं डिफाइन होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन करनी होती है कॉन्सटेंट, तब आप डिफाइन नहीं करते करते डिफाइन सल्यूट ले। हुण मैं क्या किया, 300 ml पानी होर पाता, देखो ना आ वाला केस बन गया सल्यूट डल्यूटड विद वाटर। सल्यूट सेम है बट पानी होर पाता, टोटल वॉल्यूम हूँ कितनी बन गई जी 500। हूँ ये कॉमन कि चीज़ रही, वॉल्यूम तो कॉमन नहीं रही, वॉल्यूम तो चेंज होगी। कॉमन की आ नंबर ऑफ मोल्स, कॉमन की आ नंबर ऑफ मोल्स, शुगर के जिन्ने मोल ये उन्नी ही मोल्स ये ने, यह चीज़ कॉमन आ कि दोनों च नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए सेम हो गए। अगर इतने शुगर के N1 मनना, इतने N2 मनना, दैन N1 इज इक्वल्स टू N2। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਉਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ml ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 10 g ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੀਨੀ ਘੋਲੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਚਮਚ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ 0.1 mol ਸੀਗੇ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 300 ml ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 500 ml, ਚੀਨੀ ਉਨੀ ਆ 10 g। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ 0.01 mol, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮੋਲਸ ਘੱਟ ਗਏ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਉਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਉਨੇ ਨੇ ਬਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ 1 cm³ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 cm³, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, N1 ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ N2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਲੈਰਿਟੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ M1, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਲੈਰਿਟੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ M2, ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਆ ਮੰਨ ਲਵਾਂ P1, ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਆ ਮੰਨ ਲਵਾਂ P2, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਲਡ ਕਰੂਗੀ, M1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ M1 ਇੰਟੂ B1, N2 M2 ਇੰਟੂ B2, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੀਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਏਮਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਲੈਰਿਟੀ M1 ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, M2 ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਮਲੈਰਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਸਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਆ ਸਲਿਊਟ ਡਲਿਊਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਟਰ must be added to
100 ml ऑफ 0.02 m H2SO4 टू मेक इट्स मोलैरिटी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम। देखो बहुत कॉमन जो क्वेश्चन ये की है, पहला सोल्यूशन बनया होगा, देखो 100 ml के मोलैरिटी कितनी है एनी, हम कहना कितना पानी होर पाइए आप कि हो जाए। तुम पता इस क्वेश्चन के भी बच्चे गलती कर रहे हैं, दस कि गलती है, कट के दिखा फॉर्मूला कहना लगेगा M1B1 इज इक्वल्स टू M2B2। M1 किन्ना है 0.02, B1 किन्ना है 100 ml, सही है, क्लियर। M2 फाइंड करनी है, M2 गिवन है 0.002, B2 फाइंड करने है कितनी पाई है, क्या सच्ची B2 फाइंड करनी है? आंसर नो, कहना देखियो आप क्वेश्चन लगाने हैं M1B1 इज इक्वल्स टू M2B2। सो M1 किन्ना 0.02 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.002 इंटू B2, तो B2 किन्ना आजगा जी, इन 100 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/0.002 इन सॉल्व करके किन्ना आजगा 1000 ml। हूँ आंसर आ गया कि 1000 ml आ गया, तो जवाक ने की करना, बच्चे ने की करना, उसे ऑप्शन लिखा होगा पेपर के ए 1000 ml, एक होर ऑप्शन होगा 900 ml, एक होर ऑप्शन होगा 800 ml, डी ऑप्शन 700 ml। तो बच्चे ने फटाफट की करना, 1000 ml से टिक लगाया होना, बट ये गलत है, समझो ध्यान ना, गलत क्यों है ये क्वेश्चन, आंसर गलत क्यों है। उन्हें क्या किन्ना वॉल्यूम ऐड करिए, 100 ml तो ऑलरेडी हैगा, तो टोटल वॉल्यूम कितनी करनी है 1000 ml, तो कितनी ऐड करनी पड़ेगी, शायद दिमाग च आ गया होगा आंसर 900 ml, कि 900 ml होर ऐड कर दो फिर ये मलैटी कितनी बन चुकी है। तो आ छोटी जी गलती असी करके आने पेपर च अक्सर करते हैं, बहुत बड़े बड़े बंदे गलती करते हैं इस गलती में, 1000 ml नहीं टिक करके आना है, टिकट करना है 900 ml। तो प्लीज़ पॉइंट नोट डाउन कर लो, वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ही खत्म, इतों ही बच्चों खत्म कर देने, उन्होंने नैगेटिव मार्किंग मार्क्स खत्म कर देना है। चलो फस्ट केस अपना क्लीयर हो गया, जिसमें एक एग्जाम्पल ले आज, उस बाद होर एग्जाम्पल भी करा, मैं सैकेंड केस वाल जा रहा, जो मलैटी का अपन क्वेश्चन बन सकता सैकेंड केस पॉसीबल, जो सैकेंड केस होएगा दैट इज हाँ सेम सल्यूट्स आर मिक्सड। सैकेंड केस क्या बनेगा, सेम सल्यूट्स आर मिक्सड, यदा मतलब की है, जिमें सपोज करो मेरे को एक 100 ml दे विच मैं वही 10 g शुगर पाई हुई सी, एक होर कंटेनर सीगा मेरे को, और मैं की किया गया 200 ml पानी दे विच 20 g शुगर पाई हुई सी, ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर थे, हुण मैं की किया दोनों ने इको कंटेनर च पाता, जो मैं इको कंटेनर च पाता तो वॉल्यूम कितनी बन जूगी 300 ml, मतलब अगर मैं B1 मनना इन B2 मनना तो वॉल्यूम कितनी हो जूगी B1+B2, इन B3 मन लाँगे, ठीक है, क्लियर। तो जब दोनों ने मिक्स करूँगा तो केड़ा केस होगा है कि सेम सल्यूट्स आर मिक्सड, अगर सेम सल्यूट्स मिक्स हो रहे हैं उस समय आप करना है, गल क्लीयर हुई। सपोज करो ये N1 नंबर ऑफ मोल से शुगर के, ये किन्ने से N2 नंबर ऑफ मोल, जो दोनों को पलटी करता इतने, सपोज इतने शुगर के किन्ने बन गए N3 अमाउंट ऑफ मोल्स, सामने मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ऑब्वियसली 30 g शुगर बन गए, तो कट सकते हैं, तो एक रिलेशन होल्ड करूगा N1+N2 इज इक्वल टू M3, समझ गए, रिलेशन होल्ड करूगा, अगर ये N1 मोल्ड ने, ये N2 मोल्ड ने, इस आप पलटी करता तो N3 मोल्ड बन गए, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगी, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्ड नहीं घटेंगे ओवरऑल, बट अगर आपको पूछा जाए कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम दस, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम, जिन्हें छोटी छोटी वॉल्यूम चूज कर लो, क्या 1 cm³, ये भी 1 cm³, ये भी 1 cm³, क्या मैं ये दस सकता कि भाई 1 cm³ क्या तिना च सेम रहेंगे, आंसर नो, ये सारे ना ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या होएगा 30 g शुगर है, ये कितनी है 20 g 10 g, ये भी गलत दिमाग से रखो, प्लीज़ पूछ सकता थोड़े को, तो कि रिलेशन होल्ड करूँगा N1 कि होगा M1 B1, अगर ये मलैटी M1 बनता वॉल्यूम कि बनता B1 अमन नहीं हुई,
आदि कोल होगा एम टू बी टू पॉजिटिव, सपोज यदि मलैरिटी कि एम थ्री वॉल्यूम कि बी थ्री तो एम थ्री बी थ्री। हम थोड़े तो कुछ भी पूछा जा सकता, तुम्हें आ गए बना सकता आ गए बना सकता आ पुछेगा आ पुछेगा कुछ भी पूछ सकता, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो सेम सल्यूट मिक्स करते हैं तो आह वाला रिलेशन की करता है होल्ड करता है एंड अंडरस्टैंडिंग वाला कि होल्ड करूगा रिलेशन। एक एग्जाम्पल करते इतना नहीं अपने पता लगना है, एग्जाम्पल अच्छे तरीके ने पता लगेगा अपन। चलो रब कर रहे हैं मैंने एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक ही कह रहे हैं कहना 400 ml 1 mH2SO4 400 ml 1 m मतलब मलैटिक नहीं है 1 m सोल्यूशन इज मिक्स विद 600 ml 600 ml 2 mH2SO4। देखो सेम सोल्यूट ने आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मलैरिटी, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मलैरिटी, मलैरिटी रिजल्टिंग कितनी बनेगी, दैट्स इट। तो आप क्वेश्चन बड़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, क्या रिलेशन लगावेंगे M1B1 + M2B2 = B2 M3B3 पता की करना है M3 तो B3 तो डिवाइड कर दूंगा खत्म क्वेश्चन। M1 कितना है 1 × 400 1 × 400 प्लस M2 2 × 600 डिवाइडेड बाय हम B3 कितनी लगावेंगे, B3 मतलब टोटल वॉल्यूम होती है B1 प्लस B2 सो 4 + 6 1000 सो इट विल बी सौखा सी 400 + 1200 / 1000 सो इट विल बी 1600 / 1000 कैंसल आउट 1.6। तो मलैरिटी देखो ध्यान ना कि आई रिजल्टिंग पोल्यूशन की 1.6 m क्लीयर। तो क्वेश्चन तुम्हें करवाता मैं इस टाइप का, अगेन ये बहुत बेसिक टाइप है ठीक है जी, 20-30% चांस नहीं किया क्वेश्चन आगे तुम्हें पेपर के अगे जो टाइप्स आएंगे उन्होंने क्वेश्चन आपको तो पूछा जाता है। चलो थर्ड टाइप करते हैं फटाफट, मैं रेज कर रहा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। जो थर्ड टाइप अपनी दैट इज नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स, थर्ड टाइप आएगी नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स कि दो ऐसे सोल्यूट, देखो सेम सोल्यूट नहीं मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग सोल्यूट मिक्स करांगे बट कंडीशन की है कि आप उसे रिएक्ट नहीं करते हैं वो जिदा पाए वह उदा पैने ठीक है जी। थर्ड केस ये बनूगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जो अपन नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स में मिक्स करांगे। सपोज करो जिमें मैं कोई ए बी कंपाउंड सी एक सी मेरे को कंपाउंड की सी डी कंपाउंड दोनों का सोल्यूशन बनया हुआ सीगा वाटर ठीक है जी। ये को इतने ये N1 नंबर ऑफ मोल्स इतने के किन्ने N2 नंबर ऑफ मोल्स क्लियर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਆਇਨਸ ਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਮਲੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਫਟਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਰੈਕਟਿੰਗ ਸਲਿਊਟਸ ਕਿਆ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2016 ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ 100 ml ਆਫ 0.1 m AgNO3 कॉमा 300 ml ऑफ 0.2 m NaNO3 एंड थर्ड वन 600 ml ऑफ 0.3 m NaNO2SO4 आर मिक्स्ड
आर मिक्सड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 नेगेटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करो एम्स का क्वेश्चन मैं अगर तुम दस चुके हैं हूँ इस क्वेश्चन कि करना है अप्रोच करना है देखो इतने तो NO3 भी पूछी है तुहाडे तो NO NA पॉजिटिव भी पूछ सकता तुहाडे तो सल्फेट भी पूछ सकता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने NO3 नेगेटिव की पूछी थी तो सारों पहला की करना सारों पहला काम जो ए जी NO3 होएगा बेसिकली ऐसा डिसोशिएट होएगा दैट इज ए जी पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव ठीक है जी यदि मोलैरिटी कितनी है 0.1 mm एंड वॉल्यूम कितनी है 100 mm आप हम दिमाग से एक फॉर्मूला खटक रहे कि क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकता आंसर यस कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम एक गल याद रखियो इतने मोलैरिटी 0.1 mm ये मिली लीटर की यूज करो तो थोड़े को मिली मोल्स आएंगे यह भी गल याद रखियो मोल नहीं आ रहे क्या आ रहे हैं मिली मोल्स तो कि हो जाएगा 0.1 × 100 इट विल बी 10 तो ये कहते हैं जी 10 मिली मोल्स ने ए जी NO3 के हम मैं बड़ी ईजी दस सकता है बैलेंस क्वेश्चन देखो 1 1 अगर ये एक मोल होगा तो NO3 नेगेटिव का भी किन्ने मोल होंगे एक मोल ही होगा हूँ मेरे को 10 mmol ने 10 mmol तो NO3 नेगेटिव भी किन्ने बने हो 10 mmol मैंने पहली गल क्लीयर होगी क्लीयर हम सैकेंड तोड़ के देखते दे हैं सैकेंड कि अपने को सैकेंड कौन है NaNO3 हूँ NaNO3 मैं कि लिख सकता है NaNO3 फॉर्म NA पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव सही है बैलेंस तो देखो ध्यान इदा टुटूगा पॉजिटिव पार्ट नैगेटिव पार्ट हूँ यदि मोलैरिटी कितनी है जी 0.2 वॉल्यूम कितनी है 300 mm यदि मिली मोल्स कितनी आएंगे 0.2 × 300 इट विल बी 2/10 × 300 कैंसल आउट करके 60 मतलब 60 मिली मोल्स आ गए तो फिर नाइट्रेट दे भी कितने बन गए देखो 1 1 1 तो नाइट्रेट दे भी कितने बन गए 60 तो 60 मिली मोल इतों मिल गए तीसरा अपना दैट इज Na2SO4 मैंने इन सॉल्व करने की लड़ नहीं है रीजन की है क्योंकि मैं तो नाइट्रेट की कंसनट्रेशन पता करनी है ये तो नाइट्रेट है ही नहीं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रेट के किन्ने हो गए देखो एक गल इतने दिमाग से बिठाओ कि ये नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स ने अगर रिएक्टिंग होंगे तो नाइट्रेट अपन फ्री ना मिलता नाइट्रेट किसी ना जाके जुड़ जाना चाहिए ठीक है जी तो टोटल किन्ने हो गए 10 + 60 देर आर 70 mmol ऑफ नाइट्रेट NO3 नेगेटिव के किन्ने ने 70 mmol प्रेजेंट ने ठीक है जी हुण आपां तां कंसंट्रेशन पता करनी सी कंसंट्रेशन किवें पता करांगे कंसंट्रेशन दा फॉर्मूला क्या हुंदा बेसिक फॉर्मूला सारे नूं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज ठीक है जी नंबर ऑफ मोल्स किन्ने आ गए 70 mmol ने ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10^-3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਪੰਗਾ ਆ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 100 mL ਇਹਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ 400 ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਆਹ 1000 ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 7/100 7/100 ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋ 0.07 mm ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ये आप ऑप्शन पिक करके आवेंगे 0.07 mm क्लीयर एक होमवर्क ले लो होमवर्क कह सकते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NA पॉजिटिव NA पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यही क्वेश्चन जो कैलकुलेट करके दिखाओ देखो NA पॉजिटिव किस किस मिलेगा एरे च मिलेगा एरे च मिलेगा तो ठीक है जी तो दोनों तोड़ के देखियो किन्ने किन्ने बन रहे हैं बहुत सौखा क्वेश्चन है हाँ इतने ध्यान रखियो 2NA पॉजिटिव बनूगा जो टुटूगा ना 2NA पॉजिटिव बनूगा अगर ये मोल 10 हो गए तो NA पॉजिटिव 20 हो गए एक गल याद रखियो कई बच्चे निगलैक्ट करो 10 तो 10 ही लिख देते हैं नहीं 20 हो गए तो यह अगर होमवर्क प्लीज करो तो अपना थर्ड पार्ट से कि जो कि नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स में आप मिक्स कर दें जैसे मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल दी है ठीक है जी फोर्थ पार्ट से चलते हैं जो फोर्थ चौथे तरह का क्वेश्चन बनता है मोलैरिटी के
चौथी तरह का बेसिक क्वेश्चन अपन क्या बन सकता है, दैट इज चौथा केस, रिएक्टिंग फ्लूड्स आर मिक्स। अगर कोई एहजे सल्यूट मिक्स किते, रिएक्टिंग सल्यूट्स आर मिक्स, और कंडीशन क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा होगा नो पीपीटी आर फॉर्म्ड। सल्यूट ऐसा मिक्स किते कि पीपीटी फॉर्म नहीं हुए है, क्लीयर, पीपीटी फॉर्म नहीं हुए है उत्ते। ये एग्जाम्पल देखियो, एग्जाम्पल में समझ किस किस तरीके डील करना है। एक ही कह रहे हैं क्वेश्चन के बच्चे अपन, क्या 200 ml एक क्वेश्चन है अपने को, एम 2018 का क्वेश्चन है। हाँ जी, 200 ml ऑफ 0.1 m NaOH एंड 300 ml ऑफ 300 ml ऑफ 0.002 m सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स। देखो ध्यान ना, एसिड से बेस डिरेक्शन हो रही है तो पीपड़ी नहीं बननी है, सॉल्ट प्लस वाटर बनूंगा, सॉल्ट क्या होता मोस्टली डिजॉल्व होता वाटर, तो पीपड़ी नहीं फॉर्म होंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करो। ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन देखो आसान होता, बट आसान नहीं है, तो टिपिकल जाऊगा। सारे ना पहली गल कितने रिएक्शन नोट करो, रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पता है कि क्या बनना है, सॉल्ट बनूंगा प्लस वाटर। टेंथ क्लास पढ़ के आए हो, एसिड बेस रिएक्शन के सॉल्ट बन जाता प्लस एक क्या बन जाता वाटर, बैलेंस कर लो 2NaOH, आई थिंक बैलेंस है। आपने क्या किया, बैलेंस क्वेश्चन, क्लियर। हूँ अपन इनफॉर्मेशन क्या गया बना है, NaOH बारे क्या है इनफॉर्मेशन, अपन यदि वॉल्यूम कितनी है जी 200 ml एंड यदि मलेरिटी कितनी 0.1 m, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कट सकता किमें आऊगा, m इंटू बी 0.1 × 200 मतलब 1/10 × 200, तो कैंसल आउट करके 20, अरे किन्नी मिली मोल प्रदान ने उसे 20 mmol, ठीक है जी, 20 mmol NaOH के प्रदान ने। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड कटा तो कि 300 ml एंड 0.002 है, आई थिंक 0.002 ही है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1000 × 300, सो कैंसल आउट करके 6/10 मतलब 0.6 mmol, 0.6 mmol सल्फ्यूरिक एसिड के पैटर्न ने अपने को एनी गल अपन क्लीयर होगी, ठीक है जी। हम बैलेंस क्वेश्चन तो पता लग रहा कि जो दो मोल, देखो ध्यान देखो, ये अपने को 20 mmol ने ना NaOH के, जो टुटूगा इदा Na पॉजिटिव प्लस OH नैगेटिव, तो एक मोल बनाऊगा OH नैगेटिव का। तो अगर अपने को टोटल 20 mmol ने ये, तो OH नैगेटिव भी किन्ने बनने, 20 mmol ही बनने, ठीक है, एक गलत अपन क्लीयर हो रही है। बट OH किन्ने फ्री होंगे, क्योंकि OH जुड़ चुके ने, कितने जुड़ चुके ने, वाटर बनाने वो तो बिच कैलकुलेट होने नहीं है, जुड़ चुके आपको तो पूछा कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH नैगेटिव मतलब किन्ने फ्री बैठे ने, हम जो फ्री ने कि कटा, तो क्लीयरली देखो अपन पता लग रहा कि जब ये दो मोल नू रिएक्ट करने लिए यदा एक मोल चाहिए, देख लो पैरों से क्वेश्चन, ये दो मोल नू रिएक्ट करने लिए एक मोल चाहिए, मतलब दो नू रिएक्ट करने लिए एक चाहिए, 2NaOH नू एक सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो एक NaOH नू कितना चाहिए जी 1/2 सल्फ्यूरिक एसिड, बट NaOH है कितने टोटल 20, तो 20 नू कितना चाहिए होगा 20NaOH नू 20/2 मतलब 10 mmol चाहिए ना सल्फ्यूरिक एसिड के, बट सल्फ्यूरिक एसिड के है कि 0.6, तो 10 दे विच्चों जस्ट 0.6 रिएक्ट करेंगे, क्लियर हुई गल, बचे कि 9.4 NaMol फ्री बच जाने ने, तो NaMol अगर फ्री बचन गए तो NA पर्टिकुलर मोल्स तो अपन की बन जाना है, NA पर्टिकुलर मोल अपन की देंगे OH नैगेटिव। होपफुली क्लीयर हो गया होगा, किमें कर रहे हैं मैं, किमें कह रहे हैं।
देखो अगेन दो एन ए एच दे मोल एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ना रिएक्ट करते हैं ठीक है जी एक एन ए एच ने फिर वन पॉइंट टू करने टोटल अपने को एन ए एच किन्ने ने 20 ने तो 20 दे विचों सिर्फ किन्ने रिएक्ट करेंगे तो इन कर ली 10 चाहिए ने 20 नूं 10 चाहिए ने बट है किन्ने सी 0.6 तो किन्ने रिएक्ट करेंगे एन ए एच दे किन्ने रिएक्ट करेंगे तो 20 - 9.4 पता लगा किवें कीता 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਨ ਏ ਐਚ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 0.6 ਕਿਉਂਕਿ 0.6 ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 9.4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਵੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ 20 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਆਊਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ 18.8 ਸਮਝੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ मैं थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा थोड़ा सौखा काम है 20 मोल नूं रिएक्ट करन लई 10 मोल चाहिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड दे इन गल सब नूं क्लीयर है ठीक है जी अपने कोल सल्फ्यूरिक एसिड दे हैगे किन्ने ने 0.6 ठीक है तो एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड नूं किन्ने चाहिए ने 2 मोल एन ए एच दे ठीक है जी 0.6 मोल नूं किन्ने चाहिए होणगे 1.2 मतलब 1.2 मोल एन ए एच दे रिएक्ट होए ने कंज्यूम होए ने बचे किन्ने 20 - 1.2 18.8 जो 18.8 मोल बच गए तो वह की करेंगे इदा डिसोसीएशन कर देंगे उन्होंने तो एक मोल तो एक मोल बनता तो 18.8 तो किन्ने बनेंगे 18.8 मोल ऑफ ओ एच नैगेटिव अपना आंसर आ गया कि इन्ने मोल थोनों ओ एच नैगेटिव के बन गए उत्थे सॉरी मोल नहीं मिली मोल फिर गलती हो जाती है डेट आर मिली मोल्स बट आपको तो कंसनट्रेशन पूछी है तो कंसनट्रेशन कि आऊगी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 200 + 300 = 500 मतलब 18.8 / 500 डेट्स इट ऐसा पर कि इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है क्लियर ठीक है जी ये सीगा अपना फोर्थ नंबर केस बहुत इंपोर्टेंट केस सीगा एरे तो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली अपन टाइम शोर अगे तो क्वेश्चन आते आता वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है एक्चुअली पंजवा केस है सेम केस आ बस उत्थे क्या होगा कि पीपीटी फॉर्म हो जाते हैं अगर पीपीटी फॉर्म हो गए देखो ध्यान कुछ चेंज क्या करना तुम्हें अगर पीपीटी फॉर्म हो गए तुम दस कि इन्ने ग्राम के पीपीटी फॉर्म हो गए तो एंड से की करना तुम्हें इस उन्ने ग्राम पीपीटी माइनस कर देना है बस एक इन्ना चेंज होगा वैसे पीपीटी का क्वेश्चन रेयर है काफ़ी आज चौथे केस का मान लो जो नो पीपीटी आर फॉर्म ठीक है जी तो मैं नैक्सट वीडियो काफ़ी वीडियो लंबी होगी 40-50 मिनट्स से हो चुकी ऑलरेडी क्वेश्चन भी सॉल्व करने से तो प्लीज़ तुम पहले कॉन्सैप्ट क्लीयर करो अच्छे तरीके सूँ एक क्वेश्चन करना तो एक क्वेश्चन करो थोड़ा होर कॉन्सैप्ट क्लीयर होगा मैं नैक्सट वीडियो आऊँगा एंड इसे ही कॉन्सैप्ट रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस वीडियो के अगर मैं 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो एक घंटे तो पच रही होगी तो क्वेश्चन तुम्हें जो सॉल्व करना डेट इज देखो यार 200 ml of 0.1 m AgNO3 is mixed with 300 ml of 0.2 m NaCl. Calculate the concentration of Cl negative ion की कंसंट्रेशन फाइंड करो ठीक है जी Cl negative किन्ने बनने दैट इज योर क्वेश्चन तो प्लीज़ इन्हें ट्राई करके मैं दस्यो थोड़ा सॉल्व आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा जो बच्चे करे तो मैं आंसर कमेंट करो दस कि आंसर है ठीक है जी तो मैं नैक्सट वीडियो मिलता क्योंकि वीडियो हजे हाफ है अद्धी है जो सब कॉन्सैप्ट समझने इन्होंने अप्लाई भी करना आप मेन चीज़ है कि अप्लाई करना आना चाहिए तो आप 10-15 क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर से ही करेंगे सारे क्वेश्चन ठीक है जी चलो मिलते हैं नैक्सट वीडियो तुम प्लीज़ अपने नोट्स के उपर लिख लियो स्पैशली जो पांच केस मैं तुम दसे ने मैं पांचवा केस नैक्सट वीडियो अच्छे तरीके एक्सप्लेन करूँगा ठीक है जी